केवट निषाद समाज केंद्रीय समिति शिवरी नारायण अंतर्गत आने वाले केवट समाज चंगोरी परिक्षेत्र का सामाजिक चुनाव 24 अक्टूबर को मतदान के माध्यम से संपन्न होंगे। मतदान के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं। मतदान में इस बार महिलाओं को भी मौका दिया गया है। चुनाव अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के लिए होना है। सचिव का पद पहले से मनोनीत किया गया है। अध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें जीवंत केवर्त, गंगाराम केवर्त सहित अन्य शेष 3 लोग हैं। अध्यक्ष पद के लिए कुछ उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड भी है, जिनको ध्यान में रखकर मतदान करने की अपील केंद्र समिति शिवरी नारायण के महासचिव नारायण केवर्त ने आवाज इंडिया न्यूज चैनल के बलौदा बाजार ब्यूरो हेड गोलू केवर्त से। वैसे तो हमारे समाज में कोई नियमावली नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जिस तरीके से अपने सामाजिक मंच है उनके अनुपात में, जैसे कि कोई भी गांव में 8 जो सामाजिक मंच है उसके अनुपात में 8 हम लोग महिला और पुरुष हुए हैं, जिसमें से युवाओं को और महिलाओं को भी योगदान दिया गया है। उसके तरह से उनका मतदान होगा और वो मतदान लोग अपने तरीके से, जैसे कि स्वच्छ व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति को मतलब चुनाव में प्रत्याशी लाकर अपने नेतृत्व सौंपेंगे, यही मुझसे उम्मीद है। महिलाओं का भागीदारी 50% सुनिश्चित होनी चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी होनी चाहिए, लेकिन इस बार हम लोगों ने 25% किए हैं। आने वाले समय में निश्चित है सुधार होगा, आने वाले समय में इनके लिए आप सुधार की दिशा में कार्य किया जाएगा, किया जाएगा बिल्कुल ही। और आने वाले समय में जैसे कि अपना परिक्षेत्र का अध्यक्ष चुनाव होगा, उसके बाद मैं जनगणना की ओर, अपना जो जाति है, अपना समाज का है, उसका जनगणना की ओर बढ़ूंगा, ताकि आने वाले हमारे बेटी भी है, बच्चे भी है, जो अभी उम्र 30 से 35 साल हो गए हैं, उनका भी शादी विवाह में मतलब ध्यान आकर्षण नहीं हो रहा है, तो ताकि हमको पता चलेगा, उनका भी हमको भविष्य का ख्याल है, चिंता है, ताकि उनका भी भविष्य सुधर सके। जैसे आपने बताया कि इसमें अध्यक्ष के लिए 5 कैंडिडेट है करके, जी सर, तो उसमें का 2 कैंडिडेट ऐसे जिनके बारे में मीडिया को जानकारी मिला है, एक अर्जुन केवट है सुनसुनिया निवासी वाला, एक है खेदूराम निषाद जी तिल्दा निवासी जी, इनका जो है अपराधीगत के उधर से नाता रहा है जी जी, है ना, तो इस पर कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी नहीं सर जी, वैसे सभी हम समाज के व्यक्ति हैं, जैसे भी कोई भी हो, जैसे कि एक कहावत है छत्तीसगढ़ी में, अपन लेके जैसे जांग महा देते तो फिर कटे नहीं, वो ठीक है, लेकिन एक अपराध जगत से जैसे आपने बोल दिया कि आपराधिक गति उद्योग बारे में जो मतदाता भाई है या बहन है वो क्या है अपना मत विचार विमर्श करने के बाद ही नहीं, वो अपना व्यक्तिगत विचार है सर जी, अब आने वाले समय में इसका ना नियम जो होगा उसको हम लोग पुनः संशोधित करेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो क्रिमिनल हो और जो 2 नंबर से अपना आस्था रखते हों, उनका मतलब न तो उसको वोट देने का अधिकार रहे और न तो उसको प्रत्याशी बनने का अधिकार है। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि अगर वो आपराधिक गतिविधि से लिप्त है तो कहीं नहीं कहीं उससे क्या है समाज भी प्रदूषित होगा। होगा होगा सर, अगर वो किसी जिम्मेदार पद में आ जाते हैं तो उसका संदेश जो है गलत जाएगा समाज में। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी 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 सर। पुनः अपना नाम पद बताएंगे? मैं अपना नाम नारायण प्रसाद केवट जी है, मैं महासचिव पद पर हूँ, अपर केंद्रीय समिति शिवनायन, जो 14 गति है। आवाज इंडिया न्यूज चैनल में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक सर, थैंक। ये थे हमारे नारायण केवट जी, केंद्रीय समिति शिवनायन के महासचिव थे, जिन्होंने चमोली राज्य परिक्षेत्र के चुनाव के संबंध में एक आवश्यक जानकारी हमारे आवाज इंडिया न्यूज चैनल को नाम पद सही बता दें। ठीक है जी, क्या नाम है सर आपको? जी मेरा नाम नारायण प्रसाद केवट जी है, मैं महासचिव हूँ केंद्रीय समिति शिवनायन का। अभी हमारे परिक्षेत्र जो चमोली राज है, उनका चुनाव 24/10/2021 रविवार को होगा, जिसमें हम चुनाव को 3 परिक्षेत्र मतलब बूथ में बांट दिए हैं। पहला जो है अपना चंगोरी का जो है सामाजिक भवन, दूसरा है हरदी का और तीसरा है अपना रसड़ी का। तो इसमें जो अपना अध्यक्ष का उम्मीदवार है 5 है, और इसमें जीवन, गंगाराम, अर्जुन और खेदूराम और अपना सुनडी से है विष्णु जी, और कोषाध्यक्ष के लिए 2 है, बाजार भारत से अपना रामकीर्तन जी और निकटवर्ती से है अपना रामलाल जी, और जो सचिव का जो चुनाव हुआ वो निर्गत हुआ है पूर्व में, जो कि कोरोना काल के तहत स्थगित किया गया था, क्योंकि अब सामाजिक स्थिति में हो जाने के कारण से हम अपना जो सामाजिक चुनाव करा रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष पद भी महत्वपूर्ण रहता है, इसमें मैं अपने परिक्षेत्र के समस्त जो मतदाता है उनसे मैं अनुरोध करूँगा
कि समाज में ऐसे व्यक्ति को चुनो जो अपने समाज को अंतिम और सर्वांगीण विकास के लिए आगे ले जा सके, जो स्वच्छ विचार और स्वच्छ व्यक्तित्व के धनी हों, वैसे व्यक्ति को चुनो। क्योंकि समाज में सभी अपने हैं, कोई दूसरा है नहीं, तो इस कारण से अच्छे ही जिसका जो विचार हो मत हो उनको ही चुने। बस मैं यही निवेदन करना चाहूँगा। अच्छा, एक चीज़ का आपसे सवाल है, जिस वैसे जिन लोग ने उम्र दावी किया है, अगर उनमें से किसी का आपराधिक गतिविधियों में नाता रहे तो उस पर के क्या कहना चाहेंगे? जी, वैसे तो उनको समाज भी जानता है और समाज के व्यक्ति भी जानता है। जानबूझकर कोई भी आपराधिक जो व्यक्ति रहेगा उनको अपना वोट नहीं देंगे,